على المسعود بن سداد أن المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى القرنين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله
बीमारी किसे कहा जाता है। बाद बदन को तकलीफ हो तो हम उसे बीमार कहते हैं, लेकिन अजीजा ने कहा बदन बीमार हो और रूह साहिब हो तो बदन की बीमारी असर नहीं दिखाती अगर रूह सेहतमंद हो। क्या किया जाए कि रूह सेहतमंद हो जाए जो बदन की बीमारी का असर ही ना हो। आपने कितने ही बीमार देखे होंगे कि जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं मगर मैदान पे उतरने वालों से ज्यादा शुजा लगता है, वो इसलिए कि उनकी रूह मजबूत है, उनकी रूह सेहतमंद है। मुमकिन है कोई 90 साल का हो और उसका हाथ कांप रहा हो लिखते हुए, मगर वो कांपते हुए हाथों से अगर लिख रहा हो कि सलमान रुश्दी वाजिब अल-क़त्ल है, उसका कलम बता रहा है कि बदन तो ज़ईफ है मगर रूह जवान है, तो पहले तय किया जाए सलमान रहे मोहम्मद वाले। ज़्यादा अहमियत की हामिल है तो रूह की जो बीमारियाँ हैं वो इंसान को बर्बाद कर देती है। बदन की बीमारी फिर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन रूह की बीमारी इसका गुजारा नहीं है, वो खतरनाक बीमारी है। और क्या करें कि रूह की बीमारी से महफूज रहें। एक रास्ता मेरे बच्चों जवानों रूह की बीमारी से महफूज रहने का, रूह की बीमारी से बचने का और रूह को सेहतमंद रखने का एक रास्ता हज़रत हुसैन। जब मैं और आप मजलिस अज़ा में आकर बैठते हैं सलवात पढ़े और मोहम्मद तो ये मजलिस है या शिफा खाना हुसैन एक सलवात और पढ़े मोहम्मद से बलद और बेहतर सलवात का पढ़िए अपने मजमून की तरफ के ये कुरान शिफा है। अच्छा इस आयत करीमा में मैं थोड़ा मजमून अपना मरतब कर रहा हूँ और आपकी समाप्त हो तो आपके साथ रखना चाहता हूँ। ये जो आयत करीमा सूरह इसरा की 82 नंबर की आयत मैंने पढ़ी, ये इस वजह से भी पढ़ी कि कई सारे सवाब की मजलिस हो और इस सारे सवाब की मजलिस में हमारे यहाँ जिस चीज़ ख्याल रखना चाहिए और रखा जाता है वह कुरान खानी, कुरान की तलावत। और अहले बैत का चाहने वाला वैसे भी कुरान से दूर रह नहीं सकता। जनाब सैयद ज़हरा सलाम अल्लाह मौला अली से जो वसीयतें फरमाई उनमें से एक वसीयत ये फरमाई कि या अली शब अव्वल कब्र जब मुझे तुम कब्र के हवाले करते जाओ तो मेरी कब्र पर बैठ कर कुरान पढ़ना। तो ये जो उलमाए कराम बुजुर्ग उलमाए कराम कहा करते थे ना कब्र में कुरान पढ़वाने का कि अपने मरहूमीन के लिए उनकी कब्र में कुरान पढ़वाओ, ये जनाब ज़हरा की ख्वाहिश है। तो हमें अपने मरहूमीन की कब्रों पर कुरान खानी का इंतजाम करना। कुरान की आवाज़ जब रूह तक पहुँचती है और मुर्दे तक पहुँचती है तो वो गया इतनी देर तक जन्नत में होता है और फरिश्तों को मामूर कर दिया जाता है कि इसकी कब्र पर कुरान पढ़ा जा रहा है, जब इसकी औलाद मेरा नाम ले रही हो तो मेरी हया का तकाजा यह है कि मैं इस मरने वाले को माफ करूँ। कुरान की बरकतों में से एक बरकत यह है। और कहते हैं सुनते हैं कुछ मैं काफ़ी हूँ बात चीज़ों से कि बाज़ोबात पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा जा रहा होता और मजलिस में जो कुरान खानी का जो दौरानिया होता है इतना कमज़ोर पहलू है तो उसका भी कोई हल निकालना चाहिए, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। शहर के ज़िम्मेदारों को और इलाके के उलमा को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है और उसका हल भी कोई निकल सकता है। एक हल उसका यह है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुरान मजीद अगर आपके यहाँ हमारे यहाँ के पढ़ने वाले नहीं हैं तो हम किसी और को दावत नहीं दे सकते। कुरान तो मुख्तलिफ नहीं है, सुनिश्चित है कुरान करवाई है। और ये भी बहुत आसान नहीं है आज कहना क्योंकि जिनके यहाँ शनाख्ती कार्ड की तशय्यु है जो शिया ख़ानदानी शिया है बस वही हर एतबार से सही है और अगर कोई शिया नहीं है तो वो कुरान पढ़ेगा कोई जवाब नहीं पहुँचेगा।
तो ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये तय करना। मैं तो जुरत नहीं रखता किसी सुन्नी को मौलाई न मानू, मेरे अंदर जुरत नहीं है। कितनी बड़ी तादाद में अहले सुन्नत है जिनके दिल में अली बसता है, और अगर वो हाथ खोल के नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो कुछ मौलवी का कसूर है, वो अली के दरवाजे पे आ चुका है। मैं समझा नहीं पा रहा उसे, सलवार पढ़े जरा मोहम्मद। हम मुबल्लिगों की कमजोरी है, मैं अपने लिए कह दूं, मैं हम मुबल्लिगों की कमजोरी है कि हम उनसे हाथ खुलवा नहीं पा रहे, उन तक हमने पैगाम पहुंचाया नहीं है कि तुम जिस अली को औला मानते हो वो हाथ खोल के नमाज पढ़ता था। अगर ये मैं समझा दूं उसे तो फिर क्यों देर लगेगी उसे। और हम रोजाना मुशाहिदा कर रहे हैं कि हर आए दिन हमें हाथ खोलते हुए लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वाली बहस अगर कहीं कमजोर है तो हमारी वजह से, लेकिन ये कह देना कि क्योंकि वो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, वो मिसाल के तौर पर जुमा फला मस्जिद में पढ़ता है, तो वो मौला ही नहीं है, वो अहले बैत का चाहने वाला नहीं है। और तुम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं नमाज भी नहीं पढ़ते हो, तुम कहीं नमाज भी नहीं पढ़ते हो, मगर शनाख्ती कार्ड तुमने बनवाया हुआ है मौला अली का, थोड़ी सी गड़बड़ी बात हो गई है, जरा इसके हाजमे के लिए सलवात पढ़े। आप जाकर देखिए आज जदीद दुनिया में तो बताया जा रहा है कि फला कैंसर का मरीज, फला मिसाल के तौर पर आखिरी लम्हे में जाने वाला मरीज सुकून पाता है, राहत पाता है, तकलीफ उसकी बरतरफ हो जाती है जब उसे कुरान सुनाया जाता है। वो जितनी देर उसे कुरान सुनाया जा रहा होता है इतनी देर उसकी रूह को सुकून मिल रहा होता है। तो कुरान शिफा, और शिफा रूह की बीमारियों के लिए भी है और बदन के सुकून के लिए। अजीजाने गिरामी आगे आई आयत आगे बढ़ी, बरहमतुन लिल मोमिनीन, ये कुरान शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए, यानी कैद लगा दी लिल मोमिनीन। मौलाना हजरत तशरीफ फरमाए, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं तशरीफ फरमाए, लिल मोमिनीन ये कुरान शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए। क्या काफिरों के लिए नहीं है? क्या मुशरिकों के लिए नहीं है? अच्छा, मोमिनीन की जिद में अल्लाह ने इसी आयत में जाकर जो नाम लिया है ना, वो मोमिन की जिद में मुनाफिक नहीं कहा था। जिद को पहचाना जाता है ना, मोमिन की जिद में अल्लाह ने मुनाफिक का लफ्ज नहीं लिया। मैं आयत सुना रहा हूँ आपको, मोमिन की जिद में जो अल्लाह ने नाम लिया है वो जालिम लिया है, यानी मोमिन है तो जालिम नहीं है, जालिम है तो मोमिन नहीं। भाई सलवात और पढ़े मोहम्मद और इस कुरान से किसी जालिम को कुछ हासिल नहीं होता सिवाय नुकसान के। मोमिन को क्या हासिल होता है? शिफा और रहमत। और जालिम को क्या मिलता है कुरान से? नुकसान। अच्छा, कुरान नुकसान देने के लिए आया है? ये मजलिस नुकसान के लिए है? हाँ और नहीं, दोनों बात ठीक है। नहीं, दोनों ठीक है। ये मजलिस नुकसान के लिए है, फायदे के लिए? ये मजलिस मोमिन के लिए फायदा है और हुसैन के दुश्मन के लिए नुकसान। इसी मजलिस से सरवार पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यही मजलिस कुछ को फायदा पहुंचाएगी, कुछ को नुकसान पहुंचाएगी, तो यही मसला हल हो गया ना। जो मजलिस का नाम सुन के जॉब दर जॉब मजलिस में पहुंचे हैं वो मोमिन, और जो मजलिस को बिदअत बोले, शिर्क बोले, कुफ्र बोले और मजलिस के खिलाफ बातें करें, वो खुद ब खुद नुकसान पहुंचा रही है, सभी वही बातें कर रहे हैं। मजलिस का फलसफा मोमिन को फायदा पहुंचाना, ऐसे ही कुरान मजीद।
और आज शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए और खसारा और नुकसान है जालिमों के लिए। तो यहाँ एक जुमला और हम यहाँ करना चाहूंगा वो ये कि मोमिन जालिम नहीं होता, जालिम मोमिन नहीं होता। हो नहीं सकता कोई जालिम हो और वो मोमिन हो, और हो नहीं सकता कोई मोमिन हो और वो जालिम हो। अब मौला जी की वसीयत सुनिए, ऐ हसन हुसैन कूना लिल तालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। ऐ मेरे हसनैन हमेशा जालिम से नफरत करना और मजलूम से प्यार करना। हो नहीं सकता कि कोई अली का चाहने वाला हो और वो जालिम हो। हर शख्स का जुल्म उसकी हैसियत के मुताबिक। रोड चलते बच्चे के साथ अगर कोई ज्यादती हो, कोई जुल्म हो, कोई उसके साथ तादी हो, तो वो भी जुल्म है और वो भी मजलूम है और जुल्म करने वाला जालिम है। लेकिन 6 महीने के बच्चे के साथ हुसैन की आगोश में था, उसके साथ जुल्म भी जुल्म है, मगर दोनों से बहुत फर्क है, इसलिए कि वो आम बच्चा है, वो हुसैन का बच्चा है। जितना मजलूम अजीम होता चला जाएगा, इतनी ही जुल्म की कबाहत और शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। लिहाजा मेरे ऊपर जुल्म करने वाला तो माफ किया जा सकता है, मगर तुम्हें जुर्रत किसने दी जो तुम ये कहो कि हुसैन के ऊपर जुल्म करने वाला यजीद माफ हो सकता है? वो कबाहत जुल्म शदीद है, यहां जुल्म की शिद्दत में ज़ाफ जालिम होगा। ये ईसाए करीमा का खुलासा होगा इसका तर्जुमा। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान नुकसान पहुंचाता है जालिमों को। तारीख बशरियत में जुल्म के खिलाफ जिसने एहतमाम के साथ गुफ्तगू की हो, जिसने इंतजाम के साथ निजाम बनाया हो, जिसने जुल्म के खिलाफ बुनियादें डाली हो, जिसने मजलूमों की हिमायत में, फकीरों की दादरसी में निसाब जिंदगी मुरतब किया हो, उसे अली कहते हैं। लिहाजा जैसे कुरान मजीद जालिमों के लिए नुकसान है, ऐसे ही अली जालिमों के लिए खतरनाक। अब जरा मौला कायनात का ज़ियारतनामा पढ़ के देखिए। अस्सलामु अला निअमतिल्लाह अलल अबरार। सलाम हो उस अली पर जो नेकूकारों और मोमिनों के लिए अल्लाह की नेमत है। व निअमत ही अलल फज्जार, और काफिरों फाजिरों और जालिमों के लिए जो अल्लाह का अज़ाब है। यानी अली मोमिनों को फायदा पहुंचाते हैं और फाजिरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो कुरान का मकसद नुज़ूल है वही अली का मकसद वजूद है। सलवात पढ़े मोहम्मद। मेरे मौला का कुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक। सरकार दो जहां से पूछा गया, या रसूलल्लाह हब्लुल्लाह का क्या मकसद है? मौला अली से पूछा गया, या अली हब्लुल्लाह वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रुकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ, या अल्लाह की रस्सी का क्या मतलब है? वो कौन सी रस्सी है, कहां अटकी हुई है? वो रस्सी जो अल्लाह की रस्सी है कहीं लटकी हुई होगी, मक्के में है, मदीने में है, कहां है? कहां जाके उस रस्सी को पकड़े जो हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे? कुरान पुकार के कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो। हैदराबाद वालों ने कहा देखी है अल्लाह की रस्सी। मैं और जरा अपने मजमून को पुख्ता कर लू। इहदिनस सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। ये कौन सा रास्ता है कि जिस पर कायम रहने का हुक्म दिया जा रहा है? क्या ये कराची से इस्लामाबाद जाता है या इंसान इस्लामाबाद से मक्का जाता है? वो रास्ता कौन सा है कि जिस पर कायम रहना है, या हिदायत दी जा रही है कि उस रास्ते को तलाश करो? ये रस्सी कौन सी है जिसको पकड़ने का हुक्म दिया जा रहा है? भाई रस्सी का जब तसव्वुर आएगा तो तहर से खौफ का तसव्वुर भी लाना लाजमी है। यहां से वहां का ताल्लुक, रस्सी लटकी हुई है, रस्सी को पकड़ लो। कुएं में रस्सी डाली जाती है ताकि वो डूबने वाला पकड़ ले। छत से रस्सी फेंकी जाती है ताकि चढ़ने वाला उस रस्सी को पकड़ ले। ये कहां लटकी हुई है अल्लाह की रस्सी? वो अल्लाह क्या रास्ता कहाँ है जिसमें चलने का हमें हुक्म दिया जा रहा है? वो मशरिक में है, मगरिब में है, शुमाल में है, जुनूब में है, वो कहाँ है? तो भाई मैं मेहनत का एक जुमला किया कर रहा हूँ। हैदराबाद का समात वाला मजमा है ये जो अल्लाह की रस्सी है और ये जो अल्लाह का रास्ता है,
ये बैरूनी रास्ता और बैरूनी रस्सी नहीं है, ये दरूनी है। ये रास्ता किसी मशरिक और मगरिब में नहीं जाता, ये रास्ता दिल और दिमाग को जाता है। अगर तुमने दिल और दिमाग के रास्ते को ढूंढ लिया तो तुम्हें अली मिलेगा, कुरान मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा। अंदर अपने अंदर ढूंढो उस रस्सी को, ये दरून के अंदर है, इंसान के अंदर है, ये सिरात जो है उसे इसमें बाकी रहना है। अल्लाह ने हम सबको सिरात पर पैदा किया है, जिसे फितरत का नाम भी दिया गया है। अल्लाह ने हमें उस रस्सी से आशना किया है फितरी तौर पर कि जिसे हबलुल्लाह कहा है कुरान ने। मैं मुजस्सम करने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। हम सब इल्म को पसंद करते हैं या नहीं जी? हम सब जहालत से नफरत करते हैं या नहीं? हम सब शजाअत को पसंद करते हैं या नहीं? हम सब बुजदली से नफरत करते हैं या नहीं जी? मुमकिन है हम खुद बहुत मजबूत ना हो, लेकिन जो बुजदिल होता है उससे भी हमें प्यार नहीं होता। क्या जी बुजदिल से हमें प्यार नहीं है, मगर हमारा हाल भी अच्छा नहीं है, वो अलग बात है। हम सब सखावत को पसंद करते हैं या नहीं? चाहे खुद हो ना हो, लेकिन सखावत को पसंद करते हैं। हम कंजूसों से नफरत करते हैं या नहीं? ये फितरी बात है ना कि हम इल्म से प्यार करते हैं, भाई हम शजाअत से प्यार करते हैं, हम सखावत से प्यार करते हैं, इज्जत वाले लोगों से हम प्यार करते हैं, जलीलों से हम नफरत करते हैं, गैरत वाले लोगों से। ये जज्बा जो है इल्म से मोहब्बत और जहालत से नफरत, सखावत से मोहब्बत और कंजूसी से नफरत, शजाअत से मोहब्बत और बुजदिली से नफरत, इसके लिए किसी कॉलेज में जाके पढ़ना है? ये फितरत में है या नहीं? ये हमारे अंदर है या नहीं? ये अंदर से एक आवाज आती है, ये दरूनी रास्ता है। जब तुम्हें तुम्हें अंदर रहने में तो नहीं मिल रहे, यही तो सिराते मुस्तकीम है और यही तो हबलुल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें अली अल्लाह ने अंदर बनाकर अता किया है। खबरदार, अगर कोई मौलवी मुल्ला कोई मुबल्लिग कोई मुकर्रर कोई खतीब अगर अच्छे अंदाज से नहीं पहुंचा पा रहा है मौला अली की जात को, तो अल्लाह ने तो पहले ही फितरी तौर पर तुम्हें अली से आशना किया है, कमालात से आशना किया है, मनासिन से आशना किया है। तुम्हें इल्म से मोहब्बत है और जहालत से नफरत है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अली से प्यार ना हो? या सुनाओ अली के मुकाबले किसी ऐसे वजूद को कि जिसने अली को पढ़ाया हो। मेरे मौला तो बार बार कहते रहे, मन अल्लमनी हरफा फकत सय्यरनी अब्दा, जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया उसने मुझे अपना गुलाम बना दिया। वही तो आए जो अली को एक हर्फ पढ़ाए, अली तो उसका गुलाम बनने को तैयार। मगर तारीख बशरियत में कोई ऐसा फर्द नहीं मिला जिसने मौला अली को कुछ पढ़ाया। हमने इस हदीस को उस लाबिये से देखा है कि उस्तादों की कदर क्या है, मगर इस लाबिये से भी तो देखें कि मौला ये दावा कर रहे हैं कि किसी में जरूरत ही नहीं है जो अली को एक घर भी पढ़ा सके, पढ़ाए तो मैं गुलाम होने को तैयार। असल तो ये जो मौला नबी से पूछा जा रहा है, यहां सुबह हकुल्ला क्या है? फरमाया अली। मौला अली से पूछा गया, या अली हकुल्ला क्या है? फरमाया कुरान। नबी और अली की बात को मिलाओगे तो कुरान और अली की दो डोरे बनेंगी जो रस्सी बनाएंगे। कुरान और अली को जोड़ दिया जाए ताकि अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता बना है। और अजीजा ने ग्रामी वाला से ज्यादा बेहतर कुरान को समझाने वाला कोई और नहीं, इसलिए कुरान अली एन कुरान। कोई अगर कुरान बगैर अली के समझना चाहे तो वो कुरान की भी तौहीन कर रहा है, वो अली मौला की भी तौहीन कर रहा है। एक जंग के खात्मे पर वाले गनीमत तकसीम होने लगा, सरकार ने फरमाया इतना फला को इतना फला को, तो एक साहबी आ गया सामने और कहने लगा कि मा अदलता या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने अदालत नहीं की। ऐसे भी थे तो
खींचा वह अहमरा वज को सरकार ने जब जुमला सुना ना कि जब उसने आगे कहा कि आपने मां अदल किया रसूलुल्लाह आपने अदल नहीं किया सरकार के चेहरे मुबारक का रंग अहमर सुर्ख हो गया गजबा गजबन शदीदा और शदीद गुस्से की कैफियत में और नाराजगी की कैफियत में आपने फरमाया मैं यहां दिलो इल्लम यादिल अल्लाह व रसूलहू अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही आदिल नहीं है तो फिर आदिल कौन है यानी अल्लाह के रसूल को तुम कह रहे हो कि उसने अदालत नहीं फिर कौन आदिल है ऐसे ही जब मेरे मौला 6 महीने के बाद कुरान की तफसीर लेकर आए अल्लामा सुयूती ने इसे लिखा है कि मौला ने रिदा उतार दी थी अपने शाने से बाद हज़रत रहमत सरकार को जहां और फरमाया था कि मैंने नबी से अहद किया था कि मैं दोष पर अबा नहीं लूंगा जब तक नबी के बताए हुए कुरान की तफसीर को मुकम्मल लिख ना दूं पैगाम भेजा था हजरत ने कि आप हमारी बहस नहीं कर रहे आप आ नहीं रहे दरबार में नहीं आ रहे मुलाकातों के लिए नहीं आ रहे तो हजरत ने फरमाया मैंने नबी से अहद किया कि जब तक कुरान की तफसीर मुकम्मल नहीं लिख लूंगा जो नबी ने मुझे बताया कि फला आयत कहाँ नाजिल हुई और फला आयत का मतलब क्या है उस वक्त तक मैं अबादोश में नहीं लूंगा यानी बाहर नहीं आऊंगा सिवाय नमाज के मैं अबादोश में नहीं लूंगा ये मैंने अहद किया हुआ है मैं कुरान जमा कर रहा और फिर 6 महीने के बाद मौला कहनात बाज रिवायात का हिस्सा है कि बोरी थी जिसके अंदर खाल पर और मुख्तलिफ तख्तियों पर मौला ने वो लिखा था मुख्तलिफ बड़े पत्तों के ऊपर मौला ने लिखा था और वो मौला बोरी पर जब लिख रहे थे और फरमाया ये है वो जो मैंने 6 महीने में नबी मुकर्रम ने जो मुझे बताया था वो मैं लेकर आया हूँ तो जवाब दिया गया कि हमें नहीं चाहिए वापस ले जाओ मौला वो कुरान जो तफसीर कुरान है वो मौला ले गए मगर इल्म अली मुंतकिल हुआ इमाम हसन इमाम हुसैन तक यहाँ तक कि इमाम वक्त के पास वो मौला अली की लिखी हुई तफसीर है और जब इमाम जहूर फरमाएंगे तो वो लेकर आएंगे मैं तो रो इस हमारे रोने का मकाम तो इस बात पर है ये है कि इतना बड़ा तफीला इल्म और लिखा है इमाम सुयूती ने कि काश वो अली का लिखा हुआ तफसीर कुरान वो अली की लिखी हुई तहरीर उम्मत को नसीब हो जाती तो समंदर इल्म होता ये तो अली से लिया नहीं गया है तो नहजुल बलागा बन गई मौला अली से अगर लिया गया होता ना तो नहजुल बलागा 85 नहजुल बलागा बनती अभी एक जिल्द हमसे हजम नहीं हो रही इतना समंदर मारिफत है उस नहजुल उसे समझना उसको पढ़ना मुश्किल है एक जिल्द हमसे हम नहीं संभाल पा रहे इतना ज़खीरा इल्म है और ये वो है कि मौला से मांगा नहीं किया मौला ने खुद दिया है और जो लेकर आए मौला वो लिया नहीं किया लिहाजा अली मौला ने वो अपने घर में रखा और बच्चों तक मुंतकिल करते रहे सुयूती फरमाते हैं अहले सुन्नत आलिमीन के काश वो अली का लिखा हुआ कुरान वो तफसीर कुरान हम तक पहुंचता तो आज समंदर इल्म होता मुसलमानों के पास तो मेरा सवाल यह है कि नुकसान हुआ अली से दूर रहने में या किसी को फायदा हो गया पूरी उम्मत इस्लामिया को नुकसान शदीद का सामना है उन जेब में लोग रोजाना रंग बदलते हैं रोजाना अपने होलिये बदलते हैं रोजाना नजरिए बदलते हैं बल्कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इसलिए कि मौला अली से कुरान की तफसीर नहीं सीखी अब भी ये जो हम मजलिस करते हैं ये जो हम गिरिया करते हैं ये जो हम इमाम बारगाह सजाते हैं ये दर हकीकत एक ऐलान है एक इस्तियारा है एक संग मील है भाई अगर हैदराबाद में मसलन 50 इमाम बारगाह है तो ये 50 के 50 हुसैन नहीं है हुसैन तक पहुंचने का संग मील है तुम इन्हें देखो तो प्रोफेसर बात फैजरा मोहम्मद ये मजलिस से अज़ान है इमाम हुसैन अज़ान है अली की तरफ बुलाने की
एक ना एक दिन रौनक पड़ जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह रौनक में इजाफा भी है और कल से आज बेहतर भी है। कुरान और अली मौला, ये तो जैसे कुरान से नुकसान उठाती है एक तादाद, ऐसे ही मौला कायनात से भी एक तादाद सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलता। लिहाजा जितने भी मोमिनीन हैं वाली के नाम से सुरूर पाते हैं, और जितने ही काफिर और फाजिर और मुशरिक और जालिम हैं वाली के नाम से डरते हैं और घबराते हैं। जरूरी भी नहीं है कि कोई दूर हो तो वाली से फायदा ना उठाए, और कोई करीब हो तो वही अली से फायदा उठाए। हमने ऐसा भी देखा है जो अभी से करनी है मगर अली से फायदा उठाता, और हमने अमर आस जैसा आदमी भी देखा जो अली के करीब है मगर अली से डरता है, नुकसान उठाने वाला उसने। माया नहीं है, गुरबे रूह ही माया है। अपनी रूहों को मौला के साथ जोड़ दिया जाए तो उस जात से इस्तफादा रहेगा। अजीजों, कुरान हमारे लिए इल्म का एक जखीरा है। क्या करें कि कुरान खानी और कुरान फहमी में इजाफा हो। आज जदीद दौर है, बहुत आसान हो गया है। बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, चले जाओ आज जदीद रस्तों के ऊपर जहां कुरान मजीद समझना और पढ़ना आसान हो गया। अब उज्र नहीं है हमारे पास कि कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हमारे इलाके में आलिम दीन नहीं था, हमें कारी कुरान नहीं मिला। तुम्हारे मोबाइलों के अंदर वह ऐप बने हुए हैं, वो इंग्लिश का ऐप बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे मोबाइलों में वो सिस्टम डले हुए हैं, सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, और तुम आराम से डाउनलोड कर लोगे यूट्यूब से और मिसाल के तौर पर गूगल से, और उसके बाद तुम घर में बैठ के पढ़ा, तो अपने घर में कुरान पढ़ना उसके लिए वक्त मुझे लगाना पड़ेगा, और तब जाकर मैं कुरान से जितना करीब होगा इतना मौला कायनात से मिलेगा। ये हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने नाज़िल किया है, इसका फ़ायदा ही मोमिन को होना है और इसका नुकसान ज़ालिम को होना है। एक और बात तकरारी जरूर है मगर सुन ले जाइए, और बात बच्चों से और जवानों से ले जाए कि अपने मिजाज में जुल्म और ज़्यादती का जो गुजर है उसका रास्ता बदल दीजिए। हमारे वजूद के अंदर उनके रस्ते बंद कीजिए, उनकी गलियों को बंद कर दीजिए, उनके रस्तों को मजबूत कर दीजिए। ज्यादा जल्दी सारे काम नहीं कर सकते तो कुछ बैरियर लगाइए, कुछ रुकावटें लगाइए। अपने मिजाज से जुल्म और ज्यादती का खात्मा होना चाहिए। ये भी जुल्म की एक नजीर है कि मैं दूर उड़ाती हुई गाड़ी के अंदर, गाड़ी इतनी तेज जा रही है दूर उड़ रही है, और बेचारा साइकिल वाला बराबर से गुजर रहा है, उसके मुंह पर अगर मेरी गाड़ी की धूल चली गई तो कल कयामत में मुझे रोक लेगा जी, ये रोक लेगा कल कयामत का। पहले अभी मैं रोकी है कि इनका हाथ मेरा हाथ इनकी गर्दन में है। जुर्म की ये भी तो एक तस्वीर है कि मैं किसी के पॉलिश हुए में जूते के ऊपर अपना जूता रख के उसके जूते को खराब करके चला जाऊं, और मैं ये भी ना सोचूं कि मैंने किसी के साथ ज्यादती कर दी। बात यहां से करें तो बड़े जुल्म रुकेंगे। हम ऐसे भी अजीजाने गिरामी सिफर से और जीरो से शुरू होने वाले लोग हैं, हम आसमान पर जाते नहीं है जो गिर पड़े, हम यहां से वहां जाने का जौक रखते हैं। हम छलांगे लगाने वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं दो रकत और वक्ती इमाम आदिल होना चाहिए, आरजी इमाम को आदिल होना चाहिए। जिनके यहाँ दो रकती इमाम आदिल हो उनके यहाँ मुतलक इमाम कितना मासूम होगा। बात नीचे से शुरू होनी चाहिए, और जिनके यहाँ इमाम ही आदिल ना हो, खलीफा ही आदिल ना हो, ये कहा जाता है किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो, सब लोग अल्लाह इमाम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, छोटे छोटे जुल्म जो हम अपनी जिंदगियों में बगैर तवज्जो किए हुए कुछ एहसास ही नहीं होता जो हम जुल्म और ज्यादती कर जाते हैं, उनकी शनासाई पहले अपनी जिंदगी में हो। मैं तालिबे इल्म हूं और रहा हूं हॉस्टल में,
उराफा और अहले दिल असातिज़ा होते हैं। रात के 2 बजे अगर उन्हें तहारत के लिए अपने हुजरे से निकलकर मसलन बैतुल खला की तरफ जाना है तो वो जो पटाख पटाख चप्पलें या जूतों की आवाज़ें वो सारा हॉस्टल जाग रहा है। बार बार बच्चे सोते हुए उठ रहे हैं के साथ कौन जा रहा है इतनी तेज तेज दौड़ते हुआ। तो ये जो अहले दिल होते हैं वो जूतियाँ अपने हाथ में ले लेते हैं कि कहीं मेरे जूते की आवाज़ से कोई तालिबे इल्म सोते हुए उठ ना जाए या उसकी इबादत में या उसकी मुताले में खलल ना जाए। कल कयामत में ये वाली मेरी आवाजें मुझे तंग करेंगी। जुल्म और ज्यादती की मिसालें अपनी जिंदगी में मुझे ऐसे ढूंढनी चाहिए मैं कहां कहां ज्यादतियां कर रहा हूं कहां कहां जुल्म कर रहा हूं। अगर मैंने छोटी छोटी मिसालों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो बड़ी बड़ी मिसालें आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत कंट्रोल हो जाए। किसी के साथ ज्यादती अन्य बिछाने वालों का शेवा नहीं किसी पे जुल्म किसी का हक अपनी गर्दन पे लेना अजीजों सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि मालूम अजीब फ्रिज में रखी हुई चीज खाली था भी किसकी थी खाली मैं क्या पता किसकी थी रखी थी खाली भी तुमने पूछा नहीं किसी की चीज खा ले। ये जो वजू के लिए हम किसी और की जूती पहन के वॉशरूम जाकर वजू करते हैं वजू खाते रहे हमारी मस्जिदों में जूती को उतार के मस्जिद में गया। अब मेरा मिसाल के तौर पर मुझे जरूरत पड़ी कि मैं वजू करूं जाकर तो मैंने वो जो जूती पड़ी थी जो भी पड़ी थी पहन ली और जाके तहारत करके आया वजू करके आया वजू बातें रहे वजू बातें रहे तो नमाज भी बातें रहे। जिसका मुकदमा ही ठीक नहीं है उसकी इमारत भी ठीक नहीं है। कितनी सामने की बात है छोटी सी बात है मगर हम अपनी नमाजों को जाया कर रहे हैं अपनी इबादतों को जाया कर रहे हैं। एक छोटी सी ज्यादती ने अल्लाह की इबादत भी जाया कर दी। अल्लाह को इबादत नहीं चाहिए जो मखलूक के साथ जुल्म के साथ अंजाम पाए। तो आगाज करें वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा ज़ालिमों को कुरान से सिवाय नुकसान के कुछ और नहीं मिलेगा। लिहाजा जुल्म अपनी जिंदगी से बस एक नुकता अगर आज की इस मजलिस का हासिल मेरे कम से साथी ले जाए और बुजुर्ग मुझे दुआ दे दे वो ये कि अपनी जिंदगियों से जुल्म का खात्मा ज्यादतियों का खात्मा कर पाए। जौजा के साथ ज्यादती बच्चों के साथ ज्यादती जी अहले खाना के साथ खानदान वालों के साथ पड़ोसियों के साथ इतनी ऊंची आवाज में कोई ऐसी चीज में अपने घर में चलाऊं जो जायज भी हो नाजायज को तो वैसे नहीं चलाना। और पड़ोसियों की इबादत में खलल आ रहा है पड़ोसियों के आराम में खलल आ रहा है और मैं रस्ते में ऐसे गाड़ी खड़ी करके चला गया कि मिसाल के तौर पर जाने वालों को नुकसान हो रहा है तंग हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं और मैं अपना घर धो रहा था और मैंने किसी और के घर में पानी डाल दिया और बाद में तो जो जो हुकूकुल इबाद और ये जो ज्यादतियों और जुल्म के सिलसिले हैं किसी का हक भी अगर मैंने अपनी गर्दन में ले लिया कल कयामत में दौड़ता जा रहा हूँगा जन्नत की तरफ चाहे मुझे एक दिन के लिए रोक लिया जाए रोका जाएगा। बरसख है हमारी मौला फरमाते हैं बरसख का इंतजाम करके आओ कदम कदम पे रोका जाएगा। माचिस की तीली भी शहीद आयतुल्लाह दस्तगैर लिखते हैं एक लकड़ियों का गट्ठर उठाकर इंसान जा रहा था तो पीछे चलने वाले लोगों में से किसी एक ने एक तिनका खींचा उसको से और उसे बारीक करके खिलाल कर देता मर गया। अपने जिंदा दोस्त के ख्वाब में आया क्या देखा कि महल है जिसमें बैठा है भूरे और गिलमान और तकिए और गिलाफ और खाने और गजाएं और फूल और पौधे उसके अतराफ में मगर हर कुछ देर के बाद चीख मार के बेचैनी का इजहार करता है। पूछा ये क्या हो रहा है तुम्हारे पास तो इतनी अल्लाह की नेमतें हैं तुम रोते क्यों चीखते क्यों। तो अपने पैरों पर डले हुए कपड़े को हटाया एक सांप भी आ गया और कुछ देर के बाद उसकी उछरान पर बसता है। ये क्या मान चला है क्या ये वो दिन का है मैं रस्ते में से एक बंदे की लकड़ी उसके सर पे रखे हुए गट्ठर में से एक लकड़ी ली उसका दिन का बना के खिलाल किया वो ये खिलाल कर चुका वो इस लकड़ी का टुकड़ा है जो सांप बन के बैठा क्या तुम मुझ पर मेहरबानी फरमाओ फला जगह रहता है उससे जाके कहो मुझे माफ कर। खास तौर पर अधिकारी के नाम पैसे का जुल्म तो
किसी का मार खाने का जुल्म तो अली के चाहने वाले बंद हो गए, किसी का माल खाकर जाति ना होकर वापस भी देना है। अच्छा ये तो वो के जो मांगा था और दिया था, वो जो पता ही नहीं है, जुल्म और जाति करने वाला शिया नहीं हो सकता, कोई मौला ही नहीं हो सकता। चलिए अपने जहनों को करबला ले चलिए, इसलिए कि इस घराने के साथ जुल्म हुआ है, जिन्हें हम रो रहे हैं उनके साथ जुल्म हुआ है। तो जब हम जुल्म पर हो रहे हैं तो कैसे मुमकिन है कि हम खुद भी जुल्म करें? सबसे ज्यादा मजलूम पे रोने वालों को जुल्म से नफरत होनी चाहिए, ज्यादतियों से नफरत होनी चाहिए, तब माहौल अली पसंद बनेगा। एक बाप की मजलिस से तो करबला में प्यासे सही थे और ऐसे ऐसे प्यासे थे कि कोई पूछे जनाब सकीना है दिल से कि असहर के झूले में तड़पने को जनाब सकीना ने कैसे आके बाबा से ज्ञान किया। बाज़ उलमा खुतबा के पढ़ा कि जनाब सकीना ने कोई खेमा छोड़ा नहीं था, तो हर खेमे में जाती थी और उस खेमे की बीवी से कहती थी आपके गुजरे में आपके खेमे में चंद कतरे पानी के मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई अली असगर दुनिया से चले गए। इमाम हुसैन को भी अली असगर के तड़पने का इतना एहसास था, नन्ना सा बच्चा एक कली सा जो अभी पूरी तरह फूल बना भी नहीं है, उसे एक जवान कहने लगा हमारे यहां आश्रय में मोहर्रम में मछली नहीं तली जाती, घर की बड़ी बूढ़िया मुक्ति है मछली भी खाओ, क्या शरीयत का हुक्म है? मैंने कहा कि शरीयत में तो हलाल होगा मगर अकीदत में हलाल नहीं होगा, इसलिए कि इमाम हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से कहा। अजरकुमल्ला आपकी आवाजें गलत है, मेरे मौला फरमाते हैं जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना इमाम हुसैन ने, क्या देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोल रहा है और मुंह बंद कर रहा है। ये यतलता की कैफियत मछली पर उस वक्त आती है जब उसमें तड़पने की सकत नहीं रहती, जब उसमें पटकने की अपने आप को जमीन पर उछाल उछाल के उछल उछल के पटकने की सकत नहीं रहती। आखिरी लम्हा होता है मछली का जब उसका दम निकल रहा होता है, जब वो मुंह खोलती और बंद करती है बस, कुछ देर के बाद अब वो ये भी नहीं कर पाएगी। इमाम ने अली असगर के आखिरी शहादत से पहले के मरहले को फरमाया देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, क्या पानी पिला दिया गया? एक तीर से शोभा था जो अली असगर के घर में था और जनाबे रबाब पर सलाम भेजिए कि जब यार इस हालत में बच्चे का नाशा देखा तो नन्हे नन्हे लबों पर प्यार करते हुए कहा या बुनैया मिसरों का यूं हर ऐ मेरे लाल क्या तू जैसों को नहर किया आपकी आवाजें बुलंद है, चंद मंजिलें मुझे मसाइब की लेनी है। करबला में यूं तो प्यासा अली असगर भी है, करबला में यूं तो प्यासी खुद जनाबे सकीना भी है। कुर्बान जाए इस बीबी की समझदारी पर, मारिफत का कमाल है जिसे सकीना कहा जाता है, कमाल मारिफत वजूद है जनाबे सकीना का, कहीं नहीं मिलता कि जनाबे सकीना ने किसी से पानी मांगा हो, अपने लिए पानी मांगा हो, खुद भी प्यासी हैं। कुर्बान जाए इस बीबी पर इंतहाई विकार के साथ जुलजना को देखकर कदम उठाए वरना बच्चा जमीन पर गिर जाए, उसकी कैफियत बदल जाए, बाबा का घोड़ा खा लिया है। आगे जाके ये नहीं कहा कि ये बताओ मेरे बाबा को कहाँ छोड़ा है, बल्कि पूछा ये बताओ मेरे बाबा को पानी पिला के मारा, मेरा बाबा प्यासा बहुत
करबला के मैदान में सब प्यासे थे, मगर जो प्यास इमाम हुसैन की प्यास वो किसी और की प्यास नहीं थी। और इमाम को विलादत से पहले, दुनिया में आने से पहले इमाम हुसैन की जो कैफियत थी वो शिद्दत अदश की कैफियत थी। एक दिन जनाब जहरा ने मौला अली से कहा, या अली, ये जो बच्चा मेरे शिकन में है ये मुझसे बातें करता है, और या अली, इससे पहले कि मुझे प्यास लगे ये कहता है अब मां में प्यास। करबला के मैदान में हुसैन की प्यास का एहसास जनाब जैनब को भी था, जनाब सकीना को भी था, इमाम सज्जाद को भी था। इमाम सज्जाद ने कब्र हुसैन पर ये नहीं लिखा, हाजा कब्र हुसैन अल्लदी कुतलू मजलूमा, ये उसकी कब्र है जिसे मजलूम मारा गया। नहीं लिखा ये उसकी कब्र है जिसे गरीब मारा गया, लिखा ये उसकी कब्र है जिसे प्यासा मारा गया। अल्लदी कुतलू अच्छा मजलिस हो गई, मेरे हिस्से का बयान मुकम्मल हो गया, बस एक मंजर और देख लीजिए। और वो मंजर वो है कि जब बेटा बाप के लाशें पर आया, इमाम हुसैन के लाशे पर जब इमाम सज्जाद आया, अल्लाह किसी बेटे को बाप कैसा लाश पर दिखाया। इमाम का हाल मुतगयर था, मेरे मौला के बदन पर घोड़े दौड़ाए जा चुके थे। इमाम सज्जाद ने बाबा का लाशा देखा तो रूह परवास करने को थी। जनाब जैनब को ने खुद को घोड़े से सवारी से गिरा दिया। आगे बढ़कर कहा, जैनब आपने की क्या हाल है तुम्हारा? फरमाया, फूफी माँ दो कदम आगे आई और बाबा का लाशा देखी। अब जनाब जैनब ने क्या देखा कि लाशा हुसैन का पहचाना नहीं जा रहा, कतलूहू इरबा जोड़ जोड़ हुसैन के रहता है। मेरी बीवी ने इमाम हुसैन को देख कर कहा, अहंता आफी जैनब, तुम ही हो हुसैन जो जैनब का भाई। और फिर बधे हुए हाथों से भाई का लाशा उठाया और आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, या अल्लाह हम अहले बैत से इस कुर्बानी को कबूल कर ले, हमारे पास हुसैन से पढ़कर देने के लिए कोई हदिया नहीं था। अली की बेटी हदिया पेश कर रही, मेरा भाई करबला में पैसा अल्लाह रहमतुल्लाह अल्लाह अल्लाहमीन, या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, रोने वालों की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद का, मरहूम मक़बूल सैयदना अबू हुसैन नक़वी के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें उस आलम में आसानी अता फरमाए, चैन अता फरमाए, सुकून अता फरमाए, उनके खानवादे को उनके लिए कार्य खैर की तौफीक अता फरमाए, इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताज़ीर फरमाए। गुजारिश करूँगा तमाम मरीजों की शिफायाबी के लिए और हमारे अज़ीज़ आले रज़ा नक़वी के फ़र्ज़ंद जो बीमार हैं, इसी तरह उनकी वालदा बुज़ुर्ग हैं, उनकी खाला बुज़ुर्ग हैं, इस घर में जो और बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग मर्द हैं, इसी तरह जो भी आपके और